सतना पुलिस ने जाली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नकली नोट छापने वाले 3 युवकों के साथ बड़ी मात्रा में नोट छापने का सामान और नकदी जब्त की है। सतना पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 के नकली नोट सहित नोट छापने का सामान जब्त किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राजेंद्र नगर में शारदा हॉस्पिटल के पास आशीष श्रीवास्तव नामक युवक अपने घर में नकली नोट छाप रहा है, जिसके बाद पुलिस ने वहां दबिश देकर 3 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकली नोट सहित 1.5 लाख का सामान बरामद किया है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान नकली नोट छाप कर इसे बाजारों तक पहुँचाया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस के इस कार्य की सराहना करते हुए इनाम की घोषणा की है। कुछ लोग नकली नोट का कारोबार कर रहे हैं, उक्त सूचना पर हमारी टीम में कोतवाली पुलिस, राजेंद्र मिश्रा, सुधांशु चतुर्वेदी और गोपाल चौबे, इन्होंने वहां पर रेड किया और इसमें वहां से लगभग 50,000 के जाली नोट छापने के लिए प्रिंटर, कलर्ड प्रिंटर और अन्य सामग्री, 3 नए मोबाइल जब्त किए हैं और जिसमें 200 के नोट वहाँ से मौके से बरामद किए हैं। इसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसका जो मुख्य सरगना है आशीष श्रीवास्तव, जो यह नोट छापने का काम करता है, इसके अन्य साथी हैं, 2 अन्य साथी हैं इसके, अभी 2 अन्य साथी इसके फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।